बहुतों से बात की है। हालेलुया, आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे भला भंडारी बना, जो कुछ तूने मुझे सौंपा प्रभु उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकूं तेरी सेवा करें, जहां चाहते जब चाहते वहां इस्तेमाल। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए परमेश्वर, कि आपने बहुत आयत की आशीष दी है परमेश्वर, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु आज आपका जो वचन खुला है बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देती हूँ, वो मुझे इतना टच करा तो मेरे लोगों को भी जरूर से टच करेगा और जीवन बदलेगा हम सबके, और परिस्थितियां बदल चुका है, बदलेगा नहीं बदल चुका है, वो प्रकाशन आ चुके हैं परमेश्वर, कि जहां कहीं हम गलत थे हमें करेक्ट करने के लिए तेरा वचन आज आ चुका है हमारे पास, जहां कहीं वचन के अनुसार जो लोग नहीं है परमेश्वर उन्हें वचन में लाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, और यीशु मसीह के साथ उनके नाते को ठीक करने के लिए जो कुछ संभव सहायता कर सकते हैं हमें वो करना है, हमें भला भंडारी बन के रहना है परमेश्वर, जो कुछ आपने हमें सौंपा हमें इसलिए सौंपा कि जहां जरूरत है हम उसको खर्च करें, वो हमारा पैसा हो सकता है, वो हमारा टैलेंट हो सकता है, हमारी योग्यताएं हो सकती हैं, हमारा जीवन हो सकता है, हमारी सांसें हो सकती हैं, हमारा परिवार हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा पार्टनर हो सकता है, वो हमारा खुद का जीवन हो सकता है, हमारी कलीसिया के लोग हो सकते हैं, हमारे घराने के लोग हो सकते हैं, परमेश्वर मैं नहीं जानती, जिस को तूने सबको तूने आशीष दी है, हर एक को कोई ना कोई टैलेंट तूने दे के रखा है, और वो इसलिए दिया कि उन सबके द्वारा तेरी देह उन्नति पाए, तेरी कलीसिया बढ़े, और जो लोग शैतान के बंधन में वो आजाद हो परमेश्वर उन टैलेंट्स को इस्तेमाल करके, आज जो टैलेंट तूने मुझे दिया प्रार्थना का परमेश्वर कि धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं, बुद्धिमान के बोलने से, धर्मी के नहीं बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, और बुद्धि का आराम परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आराम है परमेश्वर, आज मेरे बोलने के द्वारा बहुत से लोग चंगे होने पाए, इवन सभी लोग चंगे होने पाए, कहीं भी अगर कोई तन या मन का रोगी है इसी समय वो चंगा हो जाए। हालेलुया, आज तेरे प्यार को समझने के लिए तूने जो वचन दिए उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, तेरी आत्मा ने जो मेरी अगुवाई करी इस लॉकडाउन पीरियड के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, सच में सारी बातें बिल के भलाई को उत्पन्न कर रही हैं, आगे पीछे इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उस तरीके से नहीं चल पाते थे, लेकिन सच में तेरी नजदीकी में और रहने के लिए तूने जो अनुग्रह किया, तूने दिखाया एक बार फिर से बताया कि तू न्यायी परमेश्वर है, जो लोग तेरे तरीके चलते तू उन्हें ब्लेस करता है और ब्लेसिंग का चैनल बनाता है, लेकिन जो लोग ठट्ठा करते हैं मजाक उड़ाते हैं तू उन्हें श्रापित कर देता है, कनान को तूने श्रापित कर दिया, कूश और सबा को भी तू वार के फेंकने को तैयार है, तेरी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कहने का मतलब ये कि तेरी नजर में ऐसे लोग वैल्यू नहीं रखते जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, निकम्मी बातें बोलते हैं, दूसरों को गिरता हुआ देख के खुश होते हैं, दूसरों को नीचे देख के खुश होते हैं, तेरी नजर में ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, अपनी नजर में शायद वो बहुत बड़े हैं, दुनिया के सामने शायद बहुत अच्छी वाहवाही हो रही है, लेकिन तेरी नजर में परमेश्वर ऐसे लोग बिल्कुल नंगे हैं, अभागे हैं, अंधे हैं, जिनको कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ मैं दिख रही है, लूसीफर का स्पिरिट जितने लोगों के अंदर काम कर रहा है आज यीशु के नाम से छोड़ कर जाए, प्रभु तेरे प्यार को समझने के लिए और दूसरों के नंगेपन को ढकने के लिए प्रभु तूने अपने बच्चों को बचाया, जब आदम और हव्वा नंगे हो गए थे, जब उन्होंने फल खा लिया उन्होंने अपनी नग्नता को देखा, और तूने उनके भी परमेश्वर अपनी महिमा के वस्त्र के द्वारा तूने जो उनको ढका हुआ था, जब वो महिमा हट गई उन्होंने अपने नंगेपन को देखा, लेकिन तब से लेकर आज तक जब तूने उनके नंगेपन को ढका, अंजीर के पत्ते डालकर तूने वो जो खाल पहना के उन्हें ढका, एक कुर्बानी दी गई, तू हमसे भी यही डिमांड करता कि हमें भी अगर किसी के बारे में कुछ पता लगे तो उनके सामने वाले के नंगेपन को ढक दें, उछाले ना किसी की बातों को, तू चाहता है आज कहीं ना कहीं यकीनन जितने लोग हम सुन रहे हैं देख रहे हैं जरूर से ये पाप किसी के अंदर है, तभी आपने आज ये बात कराई परमेश्वर, आप राइट टाइम पे मैं बरसाने वाले परमेश्वर, अगर ऐसी बुराई किसी के अंदर पाई जाती है तो आज वो ये खंभीर अगर किसी के जीवन में है तो आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, ताकि पूरा गुंदा आटा खराब ना होने पाए, तूने बहुत अच्छे लोग दिए प्रभु, बहुत अच्छा परिवार दिया, अच्छे पार्टनर से ब्लेस किया, अच्छे बच्चों से ब्लेस किया, अच्छी कलीसिया से तूने ब्लेस किया मुझे, बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा टैलेंट है मेरे लोगों के अंदर परमेश्वर, हमें से हर एक का टैलेंट प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता परमेश्वर, मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ता,
लेकिन धन्यवाद देती कि तूने मेरे को जो सेवा सौंपी है उस सेवा को आगे बढ़ाने में मल्टी टैलेंटेड लोग तूने दिए हैं मुझे। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर तेरी दी हुई सेवा को हम आगे बढ़ाएं परमेश्वर। ये दया मैं तुझसे मांगती, ये फेवर मुझे आपसे चाहिए, आपका वो सुपर नेचुरल फेवर चाहिए परमेश्वर। मुझे आपका भी फेवर चाहिए और आपके मनुष्यों का भी फेवर चाहिए परमेश्वर। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ परमेश्वर कि प्राण देने तक विश्वासी रह सको परमेश्वर। कोई भी बात मुझे या मेरे लोगों को तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए, तेरे वचन से अलग ना करने पाए, हमें नरक की तरफ लेके जाने ना पाए। अगर आज तक भी हम निकम्मी बातें बोलते आए, यकीनन बोलते आए परमेश्वर, इसमें शक नहीं है, बहुत पाप किए हमने, हम अपनी नजर में बहुत धर्मी बनते हैं परमेश्वर, लेकिन ये बहुत सी निकम्मी बातें हमारी जबानों से निकली है। लेकिन इस वचन के द्वारा तूने सिखाया एक बार फिर से कल और आज अपने लोगों को सिखाया कि हम किसी के नंगेपन को देख के हंसे ना। संसारिक तौर पे अगर कोई गिर रहा है हम उसका मजाक ना उड़ाए। किसी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है तो बजाय उसकी हंसी उड़ाने के हम घुटनों में आके उनके लिए प्रार्थना करें। ये समर्पण तू चाहता है हमसे, बीइंग अ जीसस फॉलोअर तू चाहता है पिता हमसे, यीशु के फॉलोअर यीशु के चेले होने के नाते ये क्वालिटी तू चाहता है हमसे कि तू दूसरों के नंगेपन को ढकता था परमेश्वर, तू हमसे भी यही चाहता है। क्योंकि ये बाइबल में जितने भी दृष्टांत है हमें सीखने के लिए लिखे गए हैं परमेश्वर। कनान को श्रापित किया, कूश और सबा को वार के फेंकने को तैयार हुआ, उनकी वैल्यू तेरी नजर में कोई नहीं क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर। ऐसा नहीं कि तू उनसे प्यार नहीं करता, तू हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारी बुराइयों से तू नफरत करता है। आज ये पाप हम में से हर एक के अंदर जिसके भी अंदर है यीशु के नाम से नष्ट हो। और यही नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई पाप है, अगर हम परमेश्वर तेरी योजनाओं में कहीं आड़े आ रहे हैं परमेश्वर, अगर तू किसी को अपने बच्चे में से किसी को सिखा के आगे लाना मांगता है परमेश्वर, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन तेरी योजनाओं में बाधा नहीं बनना चाहती मैं, ना मैं तेरे योजनाओं में बाधा बनूं और ना जितने लोग सुन रहे और देख रहे परमेश्वर। कोई किसी के लिए बाधा ना बने, ठोकर का कारण ना बन जाए परमेश्वर। वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ तो हम सबको दे मेरे खुदा, हमारे पास नहीं है वो बुद्धि। हमारे अंदर तेरा पवित्र भय आ जाए, मेरे अंदर आ जाए, सबके लिए मांगती हूँ क्योंकि परमेश्वर तेरा भय हमें पवित्र करता है। कूट कूट के भर जाए मेरे अंदर और मेरे लोगों के अंदर परमेश्वर का पवित्र भय, जो हमें पाक और पवित्र करता है, जो हमें और प्योर करके यीशु के चरणों में रखने के साथ साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करता है। हमें सच्चाई, पवित्रता और खराई का जीवन दे, ईमानदारी का जीवन दे, ताकि हमारे जीवन में वो अभिषेक आए कि हम शब्द बोले और लोग चंगे हो, और लोग चंगे हो रहे हैं। जितने सुन रहे और देख रहे हैं, मैं विश्वास कर रही हूँ बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं, रिपोर्ट्स बदल रही हैं सच्चा पश्चाताप करने के कारण, उनके हालात बदल रहे हैं, घटियों में से लोग भरपूरी में आ रहे हैं पश्चाताप करने के कारण। आज से मिस्र की ओर सहायता पाने के लिए हमें नहीं जाना, हमने सीख लिया परमेश्वर हमें तेरी ओर ताकना है, क्योंकि तेरी ओर ताकने वाले परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होते। धन्यवाद देती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज से हम में से हर एक जन परमेश्वर केवल तेरी ओर ताके, और तू जिसको जहां इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल कर परमेश्वर, ब्लेसिंग का चैनल बना। तू तो चाहता है कि हमारे द्वारा तेरा राज्य बढ़े, आशीष का कारण बने, लेकिन तू मन में डाल के जिसके वो उसकी मदद करे परमेश्वर, तेरी योजनाओं में बाधा बन के नहीं। उन परिवारों को जो विश्वास में गिर रहे हैं उन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं जानते, शैतान के चंगुल में हैं और शैतान फटक देगा उन्हें। आज मैं विनती करती हूँ पिता से, प्रभु किसी का भी विश्वास जाता ना रहे, जितने लोग हमारी संगति से जुड़े सबके सब विश्वास में मजबूत होने पाए, एक अच्छा विश्वास का आत्मा सभी को देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और ना केवल हमारी कलीसिया के बल्कि जितने लोग इस सभा को देखेंगे सुनेंगे, बाद में भी अभी भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और बाद में भी जो सुनेंगे और देखेंगे आशीष पाएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे परमेश्वर। मैं चाहती तेरे प्रेम के बारे में लोग सीखे, समझे और अपना जीवन तेरे चरणों में सौंप दें, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि तेरी नजर में मैं और मेरे लोग अनमोल और प्रतिष्ठित है। तू हमें कहता है आई लव यू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो प्यार आप हमसे कर रहे हैं हम भी आपके आपसे वैसा प्यार कर सके, निस्वार्थ प्रेम, वो अगाप्य प्रेम, वो अनकंडीशनल लव जो किसी स्वार्थ को लेकर नहीं आता, बिना स्वार्थ के हम दूसरों की मदद करना सीखें परमेश्वर। सिखा मुझे और मेरे लोगों को और सिखा, जितना है प्रभु अभी भी कम है, अभी भी हम बहुतों को तेरा प्रेम नहीं दिखा पाते,
आज भी प्रभु इस एरिया में मैं बहुत कमजोर, मेरे लोग बहुत कमजोर है, मैं जानती हम मसीह प्रेम नहीं दिखा पाते। आज भी बहुत से लोग स्वार्थी जीवन जी रहे। तू तैयार कर हमें, हमारे अंदर ये स्वार्थ का गंदा आत्मा जाने पाए, बुराइयों का आत्मा जाने पाए, निस्वार्थ भाव से हम तेरी सेवा करें, आत्माओं को बचाने वाले बने, जैसे तू सेवा करवाने नहीं करने आया था, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया था। बीइंग अ फॉलोअर, ये कैरेक्टर हमारे अंदर भी आए, ये स्वभाव मेरे अंदर आए परमेश्वर। और जितने लोग मांग रहे, मैं तो चाहती हूँ कि सभी के अंदर आए, लेकिन सबके साथ जबरदस्ती नहीं। बहुत से लोग मांग रहे और बहुत से नहीं मांग रहे, तो जितने मांग रहे परमेश्वर उनको ये स्वभाव दे दे परमेश्वर। हर एक की इच्छा अनुसार तो देता है, तो जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर। आज जितने सुन रहे और देख रहे, सबकी इच्छा ऐसी हो जाए मेरे परमेश्वर कि एक बड़ी भीड़ को हम तेरी दुल्हन के रूप में तैयार कर सके परमेश्वर। तो कभी भी आके ले जा गब नहीं परमेश्वर, लेकिन जाने से पहले प्रभु एक बड़ी भीड़ को तेरे लिए तैयार करके जाना चाहती, प्राण देने तक विश्वासी रहना चाहती हूँ परमेश्वर। रैप्चर टाइम तो आएगा, सेकंड कमिंग तो होगी, लेकिन वो कब होगी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा जीवन जितना है प्रभु मैं चाहती हूँ मेरे प्राण देने तक, मेरे आखिरी श्वास तक तू मुझे अपनी सेवा में इस्तेमाल कर, मेरे लोगों को इस्तेमाल कर जैसा जो चाह रहे। हर एक की ये डिजायर हो, हमारी आखिरी श्वास भी परमेश्वर तेरी सेवा करते पाई जाए, और निस्वार्थ भाव से ऐसा जीवन हम जी के जाएं जो तुझे पसंद आए परमेश्वर। लोग कितना टीस करते, कितना दुख दे प्रभु, उससे मतलब नहीं। हमें सहने की शक्ति दे, मुझे सहने की शक्ति दे, सहना सिखा हम सबको, क्योंकि तूने कहा मत कह के मैं बुराई के बदले बुराई करूंगा, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु तेरा काम तू जाने, हमें जो काम सौंपा है, हमें जो कुछ दिया उसका भला भंडारी बना बस। हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा टैलेंट, जहां तू चाहता है इस्तेमाल कर परमेश्वर। और पृथ्वी के छोर तक जाके गवाह ठहरना चाहती, डिजायर है मेरी परमेश्वर, और तेरी भी इच्छा यही है, लेकिन हमारे काम डिसाइड करेंगे हम कहां तक जाके गवाह ठहरे। जो बर्तन साफ है तू ने इस्तेमाल करेगा। आज हमें अपने बर्तनों को अंदर से साफ करना सिखा। गंदे बर्तनों को जब हम यूज नहीं कर सकते तो तू कैसे यूज करेगा। जो बर्तन अंदर से साफ है, हम मनुष्य भी ऐसे ही बर्तन यूज करते जो धुले हुए हैं। आज यीशु का लहू हम में से हर एक को धो के पाक और साफ करे, धोकर पाक और साफ करे, और हम तेरी महिमा के बर्तन बन जाए। आज ऐसा पात्र बन जाए कि अपने स्वामी के काम आए। हालेलुया, ओ हालेलुया, मेरे परमेश्वर इस्तेमाल होना चाहते। ये हमारा सौभाग्य कि तू हमें इस्तेमाल करता है। हमें तो कुछ भी नहीं आता परमेश्वर, लेकिन तू सब में सर्वोपरि है। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करने के लिए, मेरी अगुवाई करने के लिए, गाइड करने के लिए, वो वचन देने के लिए प्रभु जो आज तैयारी में थे ही नहीं, ये आपकी योजना है परमेश्वर। एक एक शब्द जो बोला गया वो मैं विश्वास करती हूँ आपकी ओर से, और आपने अपने बच्चों को आशीष दे दी है परमेश्वर। वो सीक्रेट कमिंग के लिए, उस सेकंड कमिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। रैप्चर और सेकंड कमिंग में अंतर है, उस अंतर को समझने के लिए तूने जो मदद और सहायता करी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुतों के पास ये प्रकाशन नहीं थे, लेकिन आज तूने अपने लोगों से बोल कर बातचीत करके जो हालातों को बेहतर किया, परिस्थितियों को बेहतर किया, वो नजर भी आएंगे। सच है प्रभु, बहुत दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आशीष बोलती हूँ अपने लोगों, कल्याण बोलती हूँ, बरकत बोलती हूँ, चंगाई बोलती हूँ, तन और मन के रोग चंगे हो जाए। तूने मेरे भी बैक पेन को ठीक कर दिया, और मेरे लोगों के भी जो भी बैठने में तकलीफ थी आज पूरी तौर पर खत्म हो गई। मैं ऐसे विश्वास से घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर। अभी तक भी जो शैतान मुझे डरा रहा था, देख तू बैठ नहीं पाएगी, तू कर नहीं पाएगी, और मैंने तेरे हाथों में दिया था प्रभु। मेरी इच्छा मैं बोलना चाहती, तेरे दिए वचन तेरे लोगों तक बांटना चाहती हूँ, भला भंडारी बन के रहना चाहती हूँ परमेश्वर। सच में तूने अनुग्रह दिया, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, इस बात को मैं समझ गई। एक बार फिर से तूने जो दया करी मैं बहुत धन्यवाद। मेरे लोगों पर भी इस समय तेरी दया आ जाए, यीशु के नाम से दया आ जाए, कृपा आ जाए, और हम सब कंधे से कंधा मिलाते हुए तेरी दी हुई सेवाओं को करने पाए, जब चाहते, जहां चाहते, जैसा चाहते। तेरी नजदीकी में रहने का टाइम दे हमें, और मौका दे हमें, और ऐसे गहरे गहरे भेद, गहरे गहरे प्रकाशन हम पर वचन के साथ हमें मिलने पाए परमेश्वर, कि हम तेरे लोगों को प्रकाशमान कर सकें,
नरक की आग से बचा सके और जो शैतान के बंधन में उन्हें आजाद करा सके, क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे लोगों को लाने का तो आपने वायदा किया, मैं ले आऊंगा। हम उनकी चिंता सिर्फ इतनी करेंगे, हमारा काम है प्रार्थना करना, हम अपने रिश्ते को तेरे साथ पहले ठीक करें, बाकी तो तू खुद ही लेकर आ रहा है, सब चीजें तू प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लोगों को भी तू लेकर आ, तूने याद दिला दिया, चारों दिशाओं से मांग रहे हैं, चारों दिशाओं से इकट्ठा करके लेके आ रहा है। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत दिनों से तू वचन भी दे रहा है कि मैं चारों दिशाओं से तेरे लोगों को इकट्ठा करके लेकर आऊंगा, और आप कर रहे हैं अपने वायदों को पूरा। हमें हमारे हिस्से का काम करना सिखाने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपकी दी हुई सेवा को करने के लिए प्रभु, जिस बुद्धि, जिस ज्ञान, जिस समझ की, जिन प्रकाशनों की, जिस क्वालिटी टाइम की, जिस समर्पण की जरूरत है, जिस भूख और प्यास की जरूरत है, यह वह हीरे बनकर मुहैया करके देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारे बच्चों पर आशीष डालने के लिए, हमारे लोगों पर आशीष डालने के लिए, हमारे भाई बहनों पर आशीष डालने, हमारे घराने पर आशीष, पति पत्नी पर आशीष डालने के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक पति पत्नी के लिए, हर एक परिवारों के लिए प्रभु एक अच्छा एग्जाम्पल बन के खड़े हो सके, ऐसी डिजायर रखती हूँ परमेश्वर। बहुत कुछ नहीं आता परमेश्वर, बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जितना भी आता, जितना तू इस्तेमाल करते, हम एक अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सके, जैसे तूने दुनिया के सामने एक अच्छा आदर्श बन के हमारे लिए खड़ा हुआ यीशु मसीह, हम भी एक अच्छा आदर्श बनना चाहते। तू बेमिसाल है तो मिसाल बन के खड़ी होना चाहते, मैं मिसाल बनना चाहती हूँ, इच्छा है, लेकिन खाली पीली थोता चना और बाजे घने वाला काम नहीं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। प्रभु मुझे और मेरे लोगों को जितने मांग रहे हैं आज, इसलिए बातें यहाँ बोली जा रही है कि मेरे लोग जो डिजायर रख रहे हैं, हम काम करके दिखाएं, हम मुंह से सिर्फ ना बोले हम कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, बोलने से काम नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। परमेश्वर इतना जीवन जरूर देना, इच्छा रख रहे फिर भी तेरी इच्छा पूरी, तू भले आज आके ले जा, गम नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तेरे साथ रहना तो और भी अच्छा है। लेकिन तूने अगर मुझ पे भरोसा रखा, मेरे लोगों पे जो भरोसा रखा, जो जो जिम्मेदारी सबको दी, हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी दी हुई जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से निभा सके, तेरे दिए हुए कामों को पूरा करके ही ऊपर जाना चाहते, ये इच्छा रखती हूँ मैं। मैं नहीं जानती कौन कैसी इच्छा रख रहा है, सबकी इच्छाओं को तू जान रहा है और उसके अनुसार तू काम भी करेगा, देगा तू। तू ऐसा आराधक बना के खड़ा कर जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, जो तेरे जैसे करेक्टर रखते हैं। धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती मेरे खुदा तेरी दया तेरी कृपा के लिए, क्योंकि अब पास और दूर दोनों के परमेश्वर, हमारे बीमारों को चंगा करने के लिए, बहुत से लोगों के जो रिपोर्ट्स खराब थी, अब बार बार आत्मा में बता रहे उनकी रिपोर्ट्स चेंज होने जा रही है, मैं घोषणा करती हूँ पश्चाताप, दिल से सच्चा पश्चाताप करने के कारण रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाएंगे, शरीर का एक एक अंग भला चंगा रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है निर्गमन 15:26 में कि जो तेरे अनुसार चलेंगे, तेरी दृष्टि में जो सही है वही करेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, सारी आज्ञाओं को मानेंगे, सारी विधियों पर चलेंगे, और जो कुछ परमेश्वर आपकी नजर में ठीक है वही करेंगे, तो एक भी बीमारी आप नहीं डालेंगे जो मिस्र में भेजी, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे तन और मन के रोग चंगे करने के लिए और हमारे हाथ के कामों को सफल करने के लिए पिता बहुत धन्यवाद देते, धन्यवाद करते पिता चंगाई देने के लिए, आशीष देकर आशीष का कारण बनाने के लिए, शैतान के बंधुओं को आजाद करने के लिए, शैतान के जकड़ों को आजाद करने के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, और ऐसे वचनों से भरो और ऐसे प्रकाशनों से भरो ताकि तेरे नाम की महिमा हो और तेरे राज्य बढ़े, संसार को हम दिखा सके कि मसीहत कैसी होती है, जिसके साथ दुनिया का बनाने वाला चलता है उनके जीवन कितने ब्लेसड होते हैं, दिखाना चाहती हूँ दुनिया को परमेश्वर, अपना ज्ञान नहीं बखारना चाहती प्रभु, तेरी महिमा करना चाहती हूँ इस बर्तन के द्वारा, तो अपनी महिमा ले परमेश्वर, और जितने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, बहुत से लोग मांग रहे हैं कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, बहुत सी बहनें इस समय कह रही हैं, रो रही हैं, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर, जितनी सुन रही हैं मैं बोल रही हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं, चाहते तो सभी हैं, है ना, काम करना है हम सबको प्रियो, एक मन एक आत्मा होकर, छोटी छोटी बातों पे तुनकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, शैतान को मौका नहीं देना, लिखा और शैतान को अवसर मत दो, लिखा पूरा गुदा, थोड़ा सा खबीर पूरा गुदा आटा खराब कर सकता है, कर देता है, कर नहीं सकता कर देता है,
थोड़ा सा खमीर आएगा और गंदा आटा खराब कर देगा, फिर से सारा आटा गूंदना पड़ेगा। प्रभु कोई भी बुराई आज हमारे जीवन में आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का खमीर जाता रहे, गुस्से का खमीर, लड़ाई झगड़े का खमीर, ईर्ष्या का खमीर, दोष लगाने का खमीर, जड़े काटने का खमीर, झूठ का खमीर, चोरी का खमीर, व्यभिचार का खमीर, अनाज्ञाकारिता का खमीर, मर्डरिंग स्पिरिट यीशु के नाम से नष्ट हो। कितने लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के लड़के मर्डर करके आ रहे हैं। ये गंदी स्पिरिट हमारे लोगों के जीवन से दूर हो जाए, संसार भर से दूर हो जाए, हमारे लोगों के एरिया से दूर हो जाए, जहां भी गंदी आत्माएं काम कर रही है, हत्या करने वाली गंदी स्पिरिट। और हत्या कैसी होती है? गुस्से के कारण ही हत्या, क्रोध इतना भर जाता है, गंदा स्पिरिट, उसकी शुरुआत, हत्या करने की शुरुआत गुस्से से कहीं शुरू होती है। ये शैतानी काम यीशु के नाम से दूर हो। डिप्रेशन का गंदा आत्मा लोगों को सुसाइड करने में मजबूर ना करने पाए, डिप्रेशन का गंदा आत्मा छोड़ के जाए, सुसाइड स्पिरिट यीशु के नाम से पूरी तौर पर नष्ट हो। हर एक के अंदर के जीवन का सारा डिप्रेशन दूर हो, और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, गंदी आत्मा है। यीशु के नाम से जितने लोग डिप्रेस्ड हैं, यीशु के नाम से इस समय आजाद हो जाएं। बहुतों का शरीर ओवरवेट हो रखा है, फूल रहा है, शैतान शरीरों को छोड़ के जाए, बीमारी का गंदा आत्मा छोड़कर जाए, कमजोर करने वाला, दुर्बल करने वाला गंदा आत्मा छोड़कर जाए, एक एक मांसपेशी में, एक एक हड्डी में मजबूती आए, एक एक रग में यीशु के पवित्र लहू का भाव शुरू हो जाए। जहां यीशु का पवित्र लहू लगता है वहां से भलाई लांग के जाती है, सिर के बालों से लेके पैर के तन होता, एक एक अंग से यीशु के लहू की सामर्थ्य बहती नजर आए। यीशु के लहू के नीचे परमेश्वर हमें रख, ताकि सारी बीमारी, सारी कमजोरी दूर हो जाए। हर एक ऐसा गंदा आत्मा जो परिवारों से शांति को भंग कर रहा है, यीशु के नाम से छोड़ कर जाए। मसीह परिवार चमकने पाए, मसीह लोग और मसीह परिवार हाईलाइट होने पाए। परमेश्वर तेरा प्रेम ऐसा उजागर हो, एक ऐसा सच्चाई, पवित्रता, खराई का आत्मा बह जाए हमारे हृदयों से, जीवन जल की नदियां फूट निकले आज, अभी अभी इसी समय से। क्या कुछ ना कर गुजरे हम दूसरों के लिए, प्रभु ऐसा जज्बा हमारे अंदर भर दे आज, ऐसे पैशन से हमें भर दे, ऐसी जील से हमें भर दे परमेश्वर, कि तेरी दी हुई सेवा को पूरा विश्वास योग्यता के साथ कर सके। विलिंगली हम तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर, हम कर चुके, हम अपने जीवन को एक बार फिर से रीडेडिकेट करते हुए हम तेरे तरीके चलना चाहते, जहां तू ले जाना चाहता है प्रभु हमें लेके चल, हम चलना चाहते। जैसा वचन कहता है, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, आज हर एक दुर्बल शरीर मजबूत हो जाए, मेरा भी शरीर और मेरे लोगों का भी शरीर। आज जो दुर्बलता थी यीशु के नाम से छोड़कर जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की दुर्बलता छोड़कर जाए, कमजोरी जाए, और हम तुझ में सरगरम हो जाएं, शैतान के बंधन टूट जाएं, जो हमारी कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता करने से शैतान ने कहीं बंधन में कर दिया था, हमें जकड़ लिया था, आज सारे शैतान के जकड़े आजाद हो जाए यीशु के नाम से। इस वचन को सुनने के कारण, इस प्रार्थना को सुनने के कारण शैतान के जकड़े हुए आजाद हो रहे हैं, शरीर प्राण आत्मा में नयापन आने पाए, ठंडा गुनगुना बन जाता रहे, सरगरम हो जाए आज कलीसिया। परमेश्वर तू ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो सरगरम है। फिलदेल्फिया की कलीसिया को तूने कहा कि तेरी सामर्थ्य चाहे थोड़ी ही है, लेकिन तूने कलेश के टाइम में, परीक्षा के टाइम में मेरे वचन को, मेरे धीरज के वचन को थाम के रखा, ये उसकी क्वालिटी थी। प्रभु वही क्वालिटी आज मैं अपने लिए मांगती हूँ, अपने लोगों के लिए मांगती हूँ। चाहे बहुत पावर नहीं है बहुत से लोगों के पास, लेकिन अगर तेरे वचन को थाम के चल रहे हैं आज, तो परमेश्वर ये क्वालिटी तुझे भाती है। दुनिया के लोगों को चाहे समझ ना आए हमारे काम, दुनिया के लोगों की नज़र में चाहे हम बेवकूफ रहें, चाहे निकम्मे रहें, लेकिन तेरी नज़र में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। इस बात को समझने में तूने जो मदद और सहायता करी, हमें तेरे साथ साथ चलने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। हर एक की घटी, जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर कहीं घटी में यीशु के नाम से भरपूरी को देखें, डिवाइन हेल्पर्स रिलीज हो जाए परमेश्वर बहुतों के लिए। बहुत से लोग जो इस समय आंसू बहा रहे हैं मीटिंग देखते हुए, सुनते हुए, किसी की बेइज्जती ना हो परमेश्वर, किसी को दोष नहीं दे रही मैं, किसी को टीस नहीं कर रही परमेश्वर, किसी को सुना नहीं रही मैं। प्रभु माफ करना अगर मेरा किसी भी शब्द से अगर किसी को बुरा लगा, किसी के दिल को ठेस पहुंची, तो मैं हाथ जोड़कर परमेश्वर पहले आपसे क्षमा मांगते हो, फिर उन लोगों से। लेकिन अगवा बना के तूने खड़ा किया, मेरी जिम्मेदारी है मेरे लोगों को मैं सच का आईना दिखाऊं। तू सच्चा परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, इस बात को सिखाओ, और इस बात को सीखने के लिए मेरे लोगों की मदद कर, कि उनकी घटियां भरपूरी में बदल जाएं,
और आज वो अगर ले भी रखा है तो आने वाले टाइम में वो देने वाले बन जाए, ये मैं घोषणा कर रही हूँ आज। फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के जितने लोग हैं और जितने इस प्रार्थना को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, मैं विश्वास से घोषणा कर रही हूँ एक एक जन इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे घाटी से बाहर निकलेगा आज और आने वाले टाइम में यीशु मसीह के नाम से देने वाले बनेंगे। हालेलुया। एक एक आंसू आनंद में बदल जाए मेरे परमेश्वर, एक एक बीमार चंगा हो जाए इस कलीसिया में आने वाला रेगुलर आने वाले लोग। सच बता रही हूँ, कोई बीमार नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। ये कलीसिया में ऐसे बीमार नहीं दिखेंगे। नए लोग कोई आएंगे बीमारी से, लेकिन वो चंगे होकर जाएंगे। और जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, जो रेगुलर मेंबर्स हैं, सबकी बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जाएं। एक नहीं, सभी की बीमारियां। फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के साथ काम कर रहे हैं, और सभी लोग, सिर्फ फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के लोग नहीं, और भी कलीसियाओं से जितने लोग जुड़े हुए इनको देखेंगे सुनेंगे, जितने तेरी ओर ताक रहे हैं परमेश्वर, एक एक बीमार जन चंगा हो जाए। बीमार कहे मैं चंगा हूँ, निर्बल कहे मैं बलवान हूँ, जो कंगाल है कहे मैं धनवान हूँ। अंगीकार अपने बदल लीजिए आज। परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। और जितने शैतान के जकड़े हुए हैं, परमेश्वर कुछ लोगों के चेहरे दिखा रहा है, मैं रेमोन के लिए, प्रिंस के लिए, लवकेश के लिए, शिवम के लिए, डेजी बहन के लिए, और जितने लोग अब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं यीशु के नाम से, यश के लिए, मोसेस के लिए, परमेश्वर छुटकारे की घोषणा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब नॉर्मल जीवन जी रहे, लेकिन जितने हमारा देश, जो टेरिटरी तूने मुझे दी, जो लोग तूने मुझे दिए, मुझसे जुड़े लोग परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी शैतान के बंधन में आज आजाद हो जाए, शरीर प्राण आत्मा में, शरीर में बीमारी से छूट जाए, लॉन्ग लाइफ से ब्लेस हो परमेश्वर। मैं नहीं कह रही किसी का जीवन समाप्त हो जाए, हर एक को हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करती, अच्छी जिंदगी पाए, बीमारी रहित जिंदगी पाए, कर्जे रहित जिंदगी पाए, अच्छी और ब्लेस्ड लाइफ जिए परमेश्वर। उसके लिए तेरे वचन के साथ चलना जरूरी है, दीन और खेदित मन होना जरूरी है जिनके ऊपर तू दया करता है। ये क्वालिटी हमारे अंदर पाई जाए, हम मन में दीन हो, हम शरीर में भी दीन हो परमेश्वर, शरीर कमजोर ना हो, बल्कि हम दीनता नम्रता से काम भी करते पाए जाए। केवल हमारे शब्द बोल ही नहीं केवल ऐसे हो, बल्कि हमारा व्यवहार ऐसा कि जिससे हम सच में दीन और नम्र दिखें परमेश्वर तेरी नजर में, और खेदित मन के। अगर कहीं गलती भी हो गई तो उसके लिए हमें खेद रहे, ओ मुझसे क्या हो गया, हम तुरंत पश्चाताप भी करें, यीशु का लहू उसी समय हमें धोकर पाक और साफ भी करें। यीशु ऐसा कार्य करने के लिए हमारे जीवनों में मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस संगति के द्वारा, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के द्वारा। तू बहुत ऐसे महिमा पाए, तेरा राज्य बढ़े, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती थी इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा पूरी हो, मेरे द्वारा पूरी हो। इंडिविजुअली कहें, जितने करना चाहते हैं अपने दिल पे हाथ रख के कहें, हाँ प्रभु मेरे द्वारा तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। अंगीकार करें, मुख खोल कर अंगीकार करें, शैतान के बंधनों में ना रहें, मुख खोल कर अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मेरे द्वारा तेरा राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े, तेरा राज्य आए। हम रोज ऐसी प्रार्थना करते हैं लेकिन काम नहीं करते, अंगीकार मन में गुड़ कर करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर अधिकारी बन के नहीं जी पा रहे। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आज मेरे लोग अंगीकार करें इस बात को, तेरी आत्मा में होकर इस बात की घोषणा करें। जितने अंगीकार कर रहे हैं इस बात का, मुख खोल कर अंगीकार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम ऐसे हर एक को इस्तेमाल करेगा इस बात के लिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर तेरा राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े फैले। इस्तेमाल कर, तैयार कर और इस्तेमाल कर, तैयार कर और इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, पृथ्वी के छोर तक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाके ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, खराई के साथ तेरी सेवा करते पाए जाए। मैं चाहती हूँ परमेश्वर मुझसे जुड़ा एक एक शख्स सामर्थी रूप से खड़ा हो जाए, पवित्र आत्मा आज ऐसी धधकती हुई आग बना, धधकती हुई आग आ जाए, पवित्र आत्मा की आग सबके अंदर आ जाए कि शैतान के सारे काम जल के नाश हो जाए, शैतानी काम जल के नाश हो जाए हमारे बच्चों के जीवन से, समय चुराने वाली गंदी आत्माएं यीशु के नाम से जल के नाश हो जाए, ठंडा गुनगुना करने वाली गंदी आत्माएं नष्ट हो जाए,
पाप कराने वाली गंदी आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए हमारे बच्चों के जीवन से और हमारे जीवनों से, हमारे भाई बहनों के जीवन से, हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन से। हर एक ऐसी गंदी आत्मा जो हमें परमेश्वर तेरे कामों को करने से रोक रही है, गंदी आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो, नष्ट हो इसी समय यीशु के नाम से। शैतान को मैं गिरता हुआ देख रही हूँ, बहुत से लोग ब्लेसड हो रहे हैं। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं देख रही हूँ, मैं बहुतों को जीवन में देख रही हूँ कि शैतान गिराया जा रहा है, वो नई एनर्जी से भर रहे हैं, ठंडापन जा रहा है उनके अंदर का, उनके आंसू आनंद में बदल रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और आज गवाहियां आएंगी बहुत सारे लोगों की, ग्रुप में मैसेज भेजना जिनके जीवन में ये काम हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल रही हूँ कि यीशु के नाम से दुष्ट गिर रहा है, बहुतों के जीवन से गिराया जा रहा है, बुरी आत्माएं छोड़ के जा रही हैं, गिर रही हैं वो। जैसे यीशु ने कहा, मैं बिजली के समान शैतान को गिरता हुआ देख रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी लिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि शरीर बैठे हुए लोग घुटनों में आके प्रार्थना कर रहे हैं और उनके अंदर से दुष्ट एकदम से ऊपर से गया, निकल के ऊपर गया और एकदम से नीचे गिर गया। मैं बहुतों के जीवन में देख रही हूँ ऐसा, और बहुत सारे लोग जिनके जीवन में ऐसा हुआ है, आज मैं सच बोल रही हूँ, गवाहियां देना ग्रुप में, गवाहियां डालना, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं बोल रही हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। प्रभु की आत्मा इस समय काम कर रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं, फेफड़े चंगे हो रहे हैं, फेफड़े की बीमारी, लीवर की बीमारी ठीक हो रही है, किडनी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स जा रही हैं, शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है, बहुतों को इंसुलिन लगता था, आज इंसुलिन लगना बंद हो रहा है बहुतों का, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से। शुगर की बीमारी बहुतों को थी, शुगर की बीमारी ठीक हो रही है, डायबिटीज ठीक हो रहा है, नसों के गुच्छे थे किसी के शरीर के अंदर, मैं नहीं जानती कौन है, अंदर का ऐसे लग रहा है इंटेस्टाइन दिखा रहा है परमेश्वर, ऐसे करके है, और उनके बीच में नसों के गुच्छे बने हुए हैं शरीर में, और भी किसी अंग में नसों के गुच्छे हैं, यीशु के नाम से गुच्छे खुल जाएं, उलझे हुए काम खुल जाएं, उलझी हुई आंतड़ियां खुल जाएं, मांसपेशियां खुल जाएं, यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र लहू की सामर्थ फ्लो करे, सामर्थी लहू आज बहने पाए और बीमार उठ के खड़ा होने पाए, चंगा होने पाए, कमजोर लोग ताकत पाए, दुर्बल शरीर भरने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं घोषणा कर रही हूँ, जितने शरीर दुर्बल हैं यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, यीशु की गवाही के लिए तैयार हो जाएं। घटियों में जो है भरपूरी आ रही है, मैं बता रही हूँ, डिवाइन डिवाइन फाइनेंस आने वाला है, कहाँ से आएगा मैं नहीं जानती, यीशु के नाम से। केवल ये उनके लिए होगा जो दीन और खेदित मन के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुन के थर थर आ रहे हैं आज से, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने जा रहे हैं। जो ढिढाई में, मैं उनके लिए नहीं कह रही, चाहे कितने सुन रहे और ले रहे हैं, अगर वो ढिढाई में जी रहे हैं आज भी, उनके लिए ये वचन नहीं पूरा होगा। वचन केवल उनके लिए पूरा होगा जो वचन के साथ सही तरीके चलने को तैयार है, रिपेंट कर लिया, पश्चाताप कर लिया और अपने काम भी ऐसे करने को तैयार है, परमेश्वर की भरपूरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वो घटी किसी भी चीज की हो सकती है, वो सेहत की घटी हो सकती है, वो धन की घटी हो सकती है, वो बुद्धि की घटी हो सकती है, वो टैलेंट की घटी हो सकती है, वो समर्पण की घटी हो सकती है, वो कोई भी घटी है, आज हर प्रकार की घटी परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी भरपूरी बदलने जा रहा है, बदल रहा है, बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया, भरपूरी आ गई है यीशु के नाम से। यीशु की भरपूरी को मैं देखूंगी, मैं अपने लिए अंगीकार कर रही हूँ, मैं अपने लिए अंगीकार करती हूँ, आप अपने लिए अंगीकार कीजिए यीशु के नाम से। ये जय मंथ है, मैं जय का उत्सव मनाऊंगी, जय का उत्सव मनाऊंगी मैं इसी महीने में, मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगी यीशु के नाम से। ये महीना खत्म होने से पहले प्रभु, जब जब तेरे साथ तूने जो आत्मा में कहा उसको किया, लिया, ग्रहण किया, परमेश्वर तूने अपने दासी पर अनुग्रह किया, गवाही के साथ आई हूं मैं, आज भी मैं अंगीकार कर रही हूँ कि जय मंथ तूने बताया मुझे, मैं इसलिए ये सबके सामने अंगीकार कर रही हूँ ताकि जो लोग और भी अंगीकार कर रहे मेरे अंगीकार को सुनकर, परमेश्वर उनके जीवन में भी ऐसा काम करे। मैं अंगीकार कर रही हूँ यीशु मसीह की बड़ी गवाही के साथ, मैं इसी महीने में आऊंगी, जो शायद मेरी आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, मेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रही हूँ, मैं यीशु के नाम से वापस आ रही हूँ। मेरे लोग आएंगे, खड़े होंगे, गवाहियां शेयर करेंगे हम यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें सदा जय के उत्सव में लेके चलता हूँ। हालेलुया। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा घराना यहोवा के सेवनित करेंगे। होने दे परमेश्वर वो कड़वाहट का गंदा आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के दूर हो जाए, प्रेम का आत्मा, समर्पण का आत्मा, एक दूसरे को अपने से ऊंचा उठाने वाला आत्मा हमारे जीवन में आके बस जाए, वो आत्मा बस जाए हमारे अंदर, और आज से हम भले कामों के लिए सरगर्म हो जाए,
हम दीन और नम्र हो जाए परमेश्वर, जैसे तू दीन और नम्र था। तूने अपने चेलों के पांव धोके दिखाया परमेश्वर, आज सिर्फ पांव धोने की बात नहीं, इसके गहरे मतलब को समझने के लिए मदद कर। हम अपने आप को छोटा बना ले और अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठा दे। किसी ने बुराई भी करी तो बुराई के बदले बुराई ना करे, हम चाह जाकर जहां तू चाहता है हमें लेके चल, कि हम अपना दीनता और नम्रता प्यार से दिखाएं परमेश्वर, तेरे प्रेम से भर के परमेश्वर, कड़वाहटे मिठास से बदल। बहुत से रिश्ते टूटे हुए परमेश्वर, बहुत से परिवारों में रिश्ते टूटे हुए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए आज, वो कड़वाहटे मिठास में बदल जाए आज से। हाथ से हालात बदले, परिस्थितियां बदले, क्योंकि अंत समा आने वाला परमेश्वर। उस अंत आने से पहले परमेश्वर तेरे कामों को करते पाई जाओ, ऐसे लोगों तक लेके जा मुझे, जो लोग चलना चाहते मेरे साथ लेके चल परमेश्वर। हम जहाँ चाहते हम अब मेल मिलाप कर ले परमेश्वर, हमारे लोगों का मेल मिलाप तेरे साथ हो जाए, तेरी आत्मा में होकर परमेश्वर मसीह प्रेम दिखाने के लिए। हमें अगर अपने आप को छोटा भी करना पड़े, हम पीछे ना हटे परमेश्वर। हमसे अगर कहीं कोई गलतियां हुई तो क्षमा कर, तू भी तो दीन था परमेश्वर, तू इतना महान परमेश्वर हो गया, अपने आप को शून्य कर लिया और दास का स्वरूप ग्रहण कर लिया परमेश्वर। हम किस बात की अकड़ रख रहे आज, क्या है हमारे पास? तेरे अलावा तो कुछ नहीं है मेरे खुदा, तेरे अलावा कुछ नहीं है, तेरी महिमा करना चाहते ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जो सेवा तुझे पसंद था ऐसी सेवा करना चाहते। खाना पूर्ति की सेवा नहीं परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं है ऐसी खाना पूर्ति की सेवा कर, मैं तेरी महिमा करना चाहती मेरे खुदा, मैं तेरी महिमा करना चाहती। तो अगुवाई कर, कहाँ करना, क्या करना और कैसे करना परमेश्वर, हमें ऐसे शब्द दे, ऐसा व्यवहार दे मेरे खुदा, मैं और मेरा परिवार, मेरे लोग एग्जाम्पल बने कि क्रिश्चियन होते हैं, मसीह होते हैं तो इनके जैसे होते हैं, कोई हमें देखे तो तुझे देखे परमेश्वर, जैसे यूहन्ना के चैप्टर में तूने लिखा, फिलिप्पुस ने कहा मुझे पिता को दिखा, और तूने कहा जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। हाँ प्रभु, यीशु को देखकर हम पिता को समझ सकते वो कैसा होगा। आज मेरे जीवन में ऐसा काम कर परमेश्वर, कोई मुझे देखे तो यीशु तुझे देखे, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, वो नमक वाली क्वालिटी आ जाए परमेश्वर, अपने नाम के लिए नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए। मेरे परिवार में ऐसा काम कर, मेरी घराने, मेरी कलीसिया में ऐसा काम कर कि लोग हमें देखे, कहीं भी हम जा रहे हैं आ रहे हैं, हमारे एक एक स्टेप से, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट से सिर्फ मसीह महिमा पर, सिर्फ मसीह महिमा पर। तेरा राज्य से स्वर्ग में परमेश्वर पृथ्वी पर पूरा करने के लिए योग्य बना, योग्य बना मुझे और मेरे लोगों। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा हमारे बीच में, मैं शक नहीं कर रही, बहुत से टूटे परिवार जुड़ेंगे इसी महीने के अंदर, हम बेस्ट रिजल्ट्स को देखेंगे, बहुत से टूटे रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, मैं घोषणा कर रही हूँ इस बात की। जब जब मेरे लोग, मैं और मेरे लोग जब परमेश्वर के तरीके चलेंगे, अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, गहरों से प्यार करना हमें यीशु आप सिखाते हैं, हमें गैरों से जो लग रहे हैं हमारे गैर है जबकि गैर नहीं है वो, सबको तूने अपनी समानता में रचा है, जहां चाहता जब चाहता जैसे चाहता प्रभु, हमें ऐसा स्टेप लेने के लिए अनुग्रह दे, हमें ऐसा स्टेप उठाए परमेश्वर कि सच में तेरी तेरी संतान दिखाई दे। तू सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया था परमेश्वर, ये वचन मेरे जीवन में काम कर, मेरे लोगों के जीवन में काम कर। हम अपनी सेवा करवाने नहीं आए, हम लोगों को यीशु मसीह तुझसे मिलाना चाहते, हम एक बड़ी दुल्हन को तेरे लिए तैयार करना चाहते। तू काम कर परमेश्वर, बहुत कुछ नहीं है लेकिन जो कुछ भी है परमेश्वर उससे तेरी सेवा करना चाहते। तू हमारे साथ है, काफी है मेरे लिए, काफी है परमेश्वर, बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, मैं नहीं अंगीकार करेगा ना। तीनों जहान का मालिक तू हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता परमेश्वर। धन्यवाद देते हो, धन्यवाद कर, आशीष देकर तूने आशीष का कारण बना दिया। हाथ से हमारी सेवा का एक नए तरीके से ऊंचा उठे परमेश्वर, एक नए तरीके से मैं और मेरे लोग समर्पण में ऊंचा उठे, दीन और नम्र बने, समय बेकार की चीजों में ना गवाएं, ये पबजी जैसी गंदी चीजों से आजाद कर हमारे लोगों को।
चाहे वो पबजी है, चाहे वो और कहीं समय चुराने वाली गंदी आत्माएं, कहीं कोई पत्ते खेल रहा है, कहीं कोई ऐसा टीवी सिनेमा में समय बिता रहा है। आज वो गंदी आत्मा हमारे लोगों के शरीरों को छोड़ के दूर हो जाए, उनकी बंद बुद्धि खुल जाए, एक एक की अपनी जिंदगी के मकसद को आज से पहचानने पाए, और ना केवल पहचाने बल्कि सरगर्म होकर काम करें, काम करें। बहन मनदीप को अब चंगा करके खड़ा करें, अब चेहरा दिखा रहे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती, मैं नहीं जानती वो किसका निचा है, लेकिन पहले से बेहतर आपने उसको कर दिया, चलने फिरने दौड़ने भागने के योग्य बना। एक बड़ी गवाही के साथ उस बेटी को भी खड़ा कर, और जितने लोग परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं, तेरे वचन का गहरा भेद हम सबके ऊपर प्रकट हो, तेरे वचन के प्रकाशन हो, ताकि वो प्रकाशन पाते हुए हम तुझ में सरगरम बने रहे। परमेश्वर तुझ में लौलीन रहने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाथ के काम तू सफल करने जा रहा है, तूने वायदा किया अकाल के टाइम में भी मैं तुझे तृप्त करूंगा, और तू अपने लोगों को एक नए तरीके से आज तृप्त करेगा, बेस्ट तरीके से तृप्त करेगा, बेस्ट से बेस्ट चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करेगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरा बचा हुआ दिन बढ़िया बीतेगा, चिकनी वस्तुओं से तृप्त करेगा तू मुझे, मैं घोषणा कर रही हूँ, मेरे लोगों को तृप्त करेगा तू, रोज बरोज करता मैं नहीं शक कर रही, लेकिन आज मैं घोषणा कर रही, लोगों को घोषणा करनी सिखा रही हूँ, जैसा हम बोलेंगे ऐसा होगा, और आनंद के साथ होगा ये सब चीजें। कड़वाहट की गंदी आत्मा जाए, कुरकुराहट की बड़बड़ाहट की गंदी आत्मा छोड़कर जाए, और यीशु का नाम महिमा पाए, यीशु की महिमा के लिए जो कुछ तूने दिया तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें, हमारा टाइम पैसा एनर्जी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल। तूने वायदा किया कि पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी में तुझे नहीं होने दूंगा, जब वायदा तेरा है और तेरा तो एक एक वायदा हाँ और आमीन में पूरा होता है। हमारे लोगों को तू लेकर आएगा प्रभु, किस बात की चिंता करें, केवल एक बात की चिंता करें कि तू नाराज ना हो, तेरी आंखों में आंसू ना आए, इस बात की चिंता आज से मेरे अंदर शुरू हो जाए, मेरे लोगों के अंदर शुरू हो जाए। हमारा कोई भी काम, हमारी कोई भी बात परमेश्वर तेरी आंखों में आंसू का कारण ना बन जाए, इस बात के लिए हम चिंता करें परमेश्वर। अगर हमने एक इस छोटी सी बात पे अगर हमारा अपना फोकस कर दिया है, तो मैं समझती हूँ कि संसार में हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, और बाकी चीजें सब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगी। अपने प्रेम से भरने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद करती हूँ। बहुतों के टूटे रिश्ते जो आप जोड़ने चाह रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ। हमारे विश्वास से हमारे घरानों में नया काम करने के धन्यवाद। हमारे बच्चों के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर नजरों के सामने लेकर आ परमेश्वर। बहुत से बच्चे हमारे शादी की उम्र हो गई लेकिन अभी तक शादियां नहीं हुई हैं परमेश्वर, राइट टाइम पे परमेश्वर हम चाहते हैं। बहुतों की जो उम्र ज्यादा हो गई उनके जीवन के श्राप टूट जाएं और आशीष में बदल जाएं, और जिनकी उम्र तैयार हो रही है परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, कि हमारे बच्चे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर तेरी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाएं। मैं घोषणा कर रही हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ इस बात की, आने वाले टाइम में हमारे बेटे और बेटियां इस तरीके से काम करेंगे। हमारे घर में जो बहुएं आएंगी और हमारी बेटियां जो दूसरे घरों में जाएंगी, स्वर्ग बनाएंगी उस घर को, ऐसी आत्मा से भरी हुई बेटियां समर्पित तेरी सेवा के लिए डिवोटेड, घर की जिम्मेदारियों को समझने वाली और उनको पूरा करने वाली ऐसी बेटियां, ऐसे पार्टनर तो देगा, और हमारे बच्चों को भी ऐसा बनाएगा कि वो अपने पार्टनर के साथ भी बेस्ट तरीके से रहें परमेश्वर, और उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने दे। हमारे बेटे बेटियों को भी ऐसा बना परमेश्वर कि हमारे बच्चे भी आशीष का कारण बने, और जो इनके साथ जुड़े अपने आप को धन्य समझे कि शुक्र है मेरी शादी इनसे हो गई, हालेलुया। ऐसे ब्लेसड हमारे बच्चों को बना परमेश्वर, और ऐसा जोड़ा जिनकी ऑलरेडी शादियां हो गई वो भी आज से अपने आप को धन्य कहें, धन्य, धन्यवाद प्रभु तूने इच्छा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर तूने मुझे दे दिया। अभी तक भी अगर कड़वाहट थी और गुस्सा था, कहीं नफरत थी, आज वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। धन्यवाद प्रभु तूने दुनिया का बेस्ट लाइफ पार्टनर मुझे दिया, धन्यवाद प्रभु जिसके साथ जोड़ा, ये तेरी योजना परमेश्वर, तेरी योजना परमेश्वर, तूने आशीष दी और आशीष का कारण बनाया, धन्यवाद देते हैं। कारण कुछ भी रहे परमेश्वर, जिस तरीके से भी हम तेरे तक आए परमेश्वर, तूने आशीष दी है, और आज से जिंदगी के वारिस होकर एक नए तरीके से ब्लेसिंग में जाएंगे हम नए तरीके से ब्लेसिंग को देखेंगे। 2020 आज 5 जुलाई 2020 से बहुतों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आज से आ गया। बहुत से लोग आज से हमारी सेवकाई एक नए तरीके से ऊंचे पर उठेगी, हमारे घर परिवार के हमारे रिश्ते नाते नए तरीके से उठेंगे, क्योंकि आज हमने दीन होना एक नए तरीके से सीख लिया, हमने नए तरीके से सीख लिया, था तो पूरा नहीं लेकिन हमने अब सीख लिया परमेश्वर,
कि हम जब अपने जीवन से दूसरे को ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। हालेलुया, आज का दिन मेरे जीवन में और मेरे बहुतों के लोगों के जीवन में आज मेमोरेबल डे हो जाए, आज ही मेमोरेबल डे हो जाए यीशु के नाम की। यीशु के नाम की फैमिली ब्लेसिंग्स को रिलीज करती हूँ मैं, यीशु के नाम से अंत समय के लिए तैयार कर दे परमेश्वर हमें। कभी भी तू ले जाए, कोई डर नहीं परमेश्वर, कोई दुख नहीं, लेकिन तेरी दुल्हन को तैयार करके जाना चाहते हैं, इस योग्य तू जरूर बनाना। तो अपनी महिमा लेना, और जब अंत का टाइम आए तू हमसे हिसाब ले तो तू कहे वेल डन माय सर्वेंट, तूने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, जा अपने पिता के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर हमसे ये कहा जाए, चाह तो ये है कि जैसे एलिया उठा लिया गया, जैसे हनोक उठा लिया गया, उठा लिए जाना चाहती हो। मैं नहीं जानती, लेकिन आज भी ऐसा जीवन नहीं है, लेकिन तू बना रहे। मैं नहीं जानती क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन तमन्ना रखते हैं परमेश्वर, इच्छा रखना हमारा काम है, अपनी डिजायर तेरे आगे रख रही परमेश्वर, उसके योग्य चाल चलना तू मुझे सिखा, तू मुझे सिखा परमेश्वर, मेरे लोगों को सिखा कि सच में हम बादलों में तेरे साथ उठा लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया, रे बाबा का शेंदर ले रे सिकंदर ले रबा। बहुत से लोगों के आज विश्वास ऊंचे उठ रहे हैं, बहुत से लोग आज विश्वास की नई आत्मा को पा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। आज इस समय यीशु का पवित्र आत्मा एक नए तरीके से टच कर रहा है। पेट के रोग जा रहे हैं, पेट में धुन्नी में किसी को कोई दिक्कत है, पेट का रोग है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जा रहा है। पेट के और रोग जा रहे हैं, जितने भी रोग पेट में हैं, यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से। किसी के पेट में किसी को हर्निया है, किसी का हर्निया दिखा रहा है, मांस बड़ा हुआ है, मांस का लो थोड़ा बड़ा हुआ है, हर्निया की किसी को प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती कौन है, हर्निया की प्रॉब्लम ठीक हो रही है इस समय, बड़ा हुआ मांस पेट में, पेट में नहीं सिर्फ धुन्नी पे, हर्निया समझ रहे लोग, हर्निया की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, लिवर प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, बीमार चंगे हो चुके हैं, अंधे देखेंगे, आत्मिक अंधे आंखों के खुल चुके हैं, शारीरिक अंधे आंखें खुल रही हैं, आत्मिक और शारीरिक बहरे सुनना शुरू कर रहे हैं, आज एक नए तरीके से शुरू हो रहे हैं, मुख पर चमक आ रही है, बहुत से बहनों के चेहरे पर डलनेस थी, बहुत से भाइयों के चेहरों पर डलनेस थी, जवानी में भी जो ग्लो होना चाहिए नहीं था, पाप के कारण जो शैतान ने नूर चुरा लिया था, आज यीशु के नाम से परमेश्वर तेरा प्रकाश मेरे और मेरे लोगों के मुख पे आके चमकने पाए, तेरा नूर चमकने पाए परमेश्वर, तू खुद प्रकाश है, तू एक नूर है, और उस नूर में हम चलना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी वो नूर आ जाए, वो प्रकाश आ जाए, जैसे तूने अपने लोगों को कहा था, इसराइलियों को तू इस इन वचनों से आशीष देना कि यहोवा का मुख तेरी ओर, यहोवा तुम्हें तुम्हारे ऊपर ज्योति चमकाए, यहोवा का प्रकाश आज मुझ पर और मेरे लोगों पर हो जाए, उसके मुख का प्रकाश मेरे मुख पर चमक जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखों की रोशनी तेज हो रही है, आंखों की समस्या जा रही है इस समय, आंखों की समस्या जा रही है। कोई ऐसा है जिसको सुबह जब उठते हैं उनके बलगम में खून आता है, खून आता है उनके बलगम में, स्पेशली सुबह जब वो सो के उठते हैं और फ्रेश होने जाते हैं, उनके उनके गले से खून निकलता है, थूक जब वो फेंकते हैं उनके मुंह में खून होता है। इस समस्या को परमेश्वर ठीक कर रहा है। दांतों की समस्या जा रही है यीशु के नाम से। बहुत से कह रहे हैं हमारे काम के लिए भी दीदी कर दे तो जाने, परमेश्वर आपसे प्यार करता है पहले। बहुतों के काम नहीं है, परमेश्वर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने जा रहा है। जितने समर्पित है, जितने अपने जीवन से दूसरे को ऊंचा उठा रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, यशाया 66:2 का वचन जिसके जीवन में काम कर रहा है, आज से इसको लिख के अपने घर में कहीं भी लगा दें, परंतु परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करेगा जो दीन और खेदित मन का, और जो परमेश्वर के वचन को सुन के थर थराता है, उनके जीवनों में जितनी ब्लेसिंग मैं रिलीज कर रही हूँ एक एक के जीवन में आके ठहर जाएगी। आज से इस क्वालिटी को डेवलप करें अपने अंदर, यीशु के नाम से ऐसा होगा। हमारे बच्चों को परमेश्वर अच्छे कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, जितने बच्चे 12th क्रॉस कर गए हैं परमेश्वर, जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो 12th क्रॉस करके गए हैं परमेश्वर उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन दे, उनके लिए जो भी योजना बनाई पूरी कर परमेश्वर, और जहाँ भी जाएं जवानों के बीच में हमारे बच्चों को भेज परमेश्वर, जो लोग एडल्ट्री में गिरे हुए हैं, जितने बच्चे हमारे कॉलेज जा रहे हैं और जाने वाले हैं,
प्रभु हमारे बच्चों को मैं अनॉइंट करती हूँ, तमाम जवान बेटे बेटियों को मैं अनॉइंट करती हूँ, सामर्थ्य भरती हूँ, अभिषेक करती हूँ उनको, कि हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाएं तो कॉलेज के जो जवान बेटे बेटियाँ पाप में गिरे हुए हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एडल्ट्री कर रहे हैं, वे विचार में गिरे हुए हैं, हमारे बच्चों के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुँचे और बहुत से लोग मन फिराएं, तौबा करें और हमारे बच्चों को इस्तेमाल करना वहाँ पे। मैं विश्वास करती हूँ हमारे बच्चों की जहाँ ज़रूरत है प्रभु, मैं नहीं जानती कौन से कॉलेज में एडमिशन आप दिलाएंगे, लेकिन चाहती हूँ कि वहाँ लेके जाना जहाँ हमारे बच्चे इस्तेमाल हो, जहाँ पाप ज़्यादा है। परमेश्वर अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बेटियों को इस्तेमाल कर, हमारी बहनों को ऐसे परिवारों तक पहुंचने में मदद कर कि परमेश्वर का वचन काम करे, हमारे भाइयों को, हमारे हमारे खुद के जीवन को इन प्रीचिंग्स के थ्रू, इन टीचिंग्स के थ्रू प्रभु परमेश्वर का वचन काम करे। प्रभु महिमा, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु तू प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है, धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, देह से सुने और ग्रहण कर लें। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। छुटकारे करने के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। आखिरी प्रार्थना आशीष वचन लेते हैं इस समय हम यरूशलेम और इज़राइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष बोलते, कल्याण बोलते, बरकत बोलते, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर का कल्याण बरकत आए, सभी लोग हाथ उठाएं और आशीष वचन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आशीष वचन दीजिए। हालेलुया, आखिरी दुआ के साथ करेंगे। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही ये जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें किसी परीक्षा में न लें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आपके। आमीन। स्वर्ग आशीष सभी लेंगे, दोनों स्वर्ग की तरफ करके। अब और खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की फाकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, जहाँ बैठे गए जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, आपसे लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आपको आशीषित करें, आशीष दें जय मसीह के सबको। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज बहुत सामर्थ्य रूप से काम किया, और जितनों की भी गवाहियाँ बन गई हैं ग्रुप में जरूर डालिएगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।